तो आज बनाएंगे दाल चावल के साथ खाने वाला और छोले भटूरे का एक पक्का साथी नींबू का अचार। इतना टेस्टी अचार और एकदम सबसे अलग अचार, यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, अगर आप नींबू का अचार इस तरह बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना टेस्टी ये नींबू का अचार बनकर रेडी होता है। तो फटाफट से खट्टा मीठा नींबू का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने चैनल आगरा मसाला किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए मेरे किचन में बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो नींबू। अब तो नींबू का सीजन है फ्रेंड्स, आसानी से मार्केट में नींबू आपको मिल जाएंगे। अब नींबू को कट कर लेते हैं। एक नींबू में से 4 पीस हम कट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। और ये जो भी नींबू के बीज हैं निकाल कर एक कटोरी में रख देंगे, क्योंकि अगर बीज निकाल देते हैं तो अचार में कड़वापन नहीं आएगा। तो ध्यान से सारे नींबू के बीजों को निकाल देना। अब हम सारे नींबुओं को कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सारे नींबू कट कर लिए हैं और नींबूओं को अब ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बड़े पतीले में, ताकि मिक्स करने में थोड़ी सी आसानी हो। देन ऐड करेंगे आधी कटोरी हल्दी, आधी कटोरी पिसी हुई चीनी। सिंपली चीनी को मैंने मिक्सर जार में ब्लेंड कर लिया है। इससे क्या होगा ना, नींबू के छिलके में से सारा कड़वापन निकल जाएगा और अचार का टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा। मेरी इस सीक्रेट टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड अब ऐड करेंगे आधी कटोरी नमक। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है और ये देखिए, अब सिर्फ इतना ही पानी है नींबू में। अब इसे ढककर रख देंगे करीब 7 से 8 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 7 से 8 घंटे हो गए हैं। अब नींबूओं को चेक कर लेते हैं। वाओ, हल्दी का कितना प्यारा कलर आया है नींबू में, और ये देखिए कितना पानी निकल के आ गया है। अब इस पानी को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये पानी ना ज़्यादा कड़वा है और ना ज़्यादा मीठा है। इस पानी को नींबू में ऐसे ही मिक्स कर देंगे। चलिए अब बना लेते हैं अचार के लिए मसाला। मैंने गैस पर चढ़ाई है फ्राई पैन। ऐड करेंगे आधी कटोरी सरसों। ये बारीक वाली सरसों है, आप चाहे तो पीली वाली सरसों का भी यूज कर सकते हैं। अब इन्हें हल्का सा सैलो फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए। अब इन्हें निकाल लेते हैं और सरसों को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक सरसों ठंडी होती है, तब तक और मसाले की तैयारी अब हम कर लेते हैं। मैंने वापस से गैस पर चढ़ाई है वही फ्राई पैन। ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच काली मिर्च। अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, खड़े मसालों की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है फ्राई करते वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। अब यहाँ पर मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर लेंगे मिक्सर जार, ऐड करेंगे सरसों, देन फिर ऐड करेंगे सारे रोस्टेड मसाले। अब सभी चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। अब इस मसाले को डालेंगे नींबू में, देन फिर ऐड करेंगे आधी कटोरी लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी नींबू के लिए इतनी मिर्च काफ़ी है। और डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और अब मिक्स कर लेंगे। पहले ही हमने इसमें नमक सब डाल दिया है, तो अब किसी चीज़ की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर बढ़िया से मिक्स कर लिया है और जो भी नींबू का पानी था वो सारा पानी मसालों में अच्छे से मिक्स हो गया है। लेंगे फिर से मिक्सर जार, ऐड कर देंगे 1 छोटी कटोरी लहसुन। अगर आप लहसुन कम खाना पसंद करते हैं तो आप लहसुन की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन अचार में लहसुन ज़्यादा डालने से अचार का फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए मैंने इतना लहसुन का यूज़ किया है। अब लहसुन को दरदरा पीस लेंगे, बिल्कुल इस तरह आपको पीस लेना है। अब फ्लेम पर लिया है मैंने एक बर्तन, डाल देंगे 1 बड़ा कटोरी तेल। ये मूंगफली का तेल है, आप चाहे तो इसकी जगह सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही डालेंगे आधी चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर अचार में बहुत बढ़िया आता है फ्रेंड्स। देन फिर डालेंगे पिसी हुई लहसुन और अब हल्का सा ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। अब गोल्डन ब्राउन ये हो गए हैं, तो अब तेल को अचार में डायरेक्ट नहीं डालना है, बल्कि इस तेल को पूरी तरह ठंडे होने देना है। अगर आप गरम गरम तेल अचार में डाल देंगे तो अचार खराब हो जाएगा। तो मैंने पूरा तेल ठंडा होने के बाद नींबू में डाल दिया था तेल, और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, और ये लीजिए,
वेरी सिंपल और वेरी इजी स्टेप्स के साथ हमारा सुपर टेस्टी नींबू का अचार बनकर रेडी है। और फ्रेंड्स, अचार को आपको बहुत साफ सुथरी जगह में रखना है जहाँ पर ऐसे थोड़ा भी पानी ना हो। और ये देखिए कितना टेस्टी नींबू का अचार बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके आपके अपने चैनल आगरा मसाला किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, सी यू सून।